तो दोस्तों ये मेरा स्टूडियो है, मैं यहाँ पर बैठकर अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ। ये ट्राइपॉड है और ये मेरा ग्रीन बैकग्राउंड है और ये टेबल है जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ। ये टेबल है देखिए जहाँ पर मैं बैठ के अपनी वीडियो को शूट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रीन पर्दे पर अपनी वीडियो बनाता हूँ और ग्रीन पर्दे से फिर आपको पता है कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। तो मैं यहाँ बैठकर अपने स्टूडियो में वीडियो बनाता हूँ। ये मेरा स्टूडियो आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया, चारों तरफ आपको दिखाया कि ये मेरा स्टूडियो है जहाँ पर मैं बैठ के अपनी वीडियो को। माशाल्लाह दोस्तों ये आप लोगों ने सीनरी देखी, ये मेरे घर के ऊपर से ये सीनरी आ रही है और ये मेरे जो है ना यूट्यूब का स्टूडियो है जिसको मैं आराम आराम से तैयार कर रहा हूँ और ये आपके सामने है। ये देखें ग्रीन पर्दा है जहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ और ये है देखें मेरा ट्राईपोड और ये है स्टूल जहाँ पर मैं बैठ के अपनी ग्रीन स्क्रीन की वीडियो शूट करता हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल तो जो है ना ये काम इसी तरह चल रहा है और ये टुक टुक इसी तरह हो रही है, लेकिन आराम आराम से इंशाल्लाह फिर इसको कलर करवाएंगे, फिर इसमें जो है ना मतलब अपने स्टूडियो का सेटअप भी बनाएंगे, मतलब आराम आराम से करेंगे। तो ये आपके सामने है देखिए, मैं अपनी वीडियो को इस तरह से शूट करता हूँ। दोस्तों आपके सामने है ग्रीन पर्दा है और ये मेरा ट्राईपोड है और ये मेरी टेबल है। तो यहाँ पर कोई और तो नहीं होता है, मैं अकेला होता हूँ और फिर अपना सारा कुछ खुद ही मैनेज करता हूँ। किस तरह से मैनेज करता हूँ अब ये तो मैं ही जानता हूँ, आपको नहीं पता। तो ये है मेरा स्टूडियो जिसको मैं आराम आराम से तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो इसकी कंडीशन क्या है आपके सामने है। देखें जब ये तैयार हो जाएगा तो ये सामान भी फालतू बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जब मेरा स्टूडियो तैयार हो जाएगा। तो ये मेरे स्टूडियो के बाहर का जो है ना मतलब व्यू है और ये आप देख सकते हैं बाहर का व्यू है। ये है नदी, सामने आप देख रहे हैं बड़ी नदी आपको नज़र आ रही है और ये कब्रिस्तान है और ये सारा कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं। यहाँ पर बगीचे वगैरह, खेती बाड़ी वगैरह सारी कुछ है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है दोस्तों। मैं ऊपर ही अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ। ये मैंने आपको अपना स्टूडियो दिखाया, ये मेरे स्टूडियो की खिड़की है, ये दरवाज़ा है और ये मैं हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको अपना स्टूडियो भी दिखाया और ये आपको अपना व्यू भी दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये मेरा स्टूडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आगे चलकर इंशाल्लाह जब मैं अपना स्टूडियो तैयार कर लूँगा तो आपको पूरा वो भी विज़िट कराऊँगा। दोस्तों इस वक्त मेरे स्टूडियो की कंडीशन ये है, आप देख सकते हैं। तो ये है, ये गधे की आवाज़ आपको आ रही है। तो ये परेशानी होती है दोस्तों वीडियो बनाते वक्त, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर गधे तो बहुत हैं, गधे भी हैं, कुत्ते भी हैं, तो ये मसले होते हैं जब आप वीडियो शूट करेंगे तो ये मसले आपके साथ होंगे। अगर आपके पास अपना स्टूडियो होगा तो फिर आपको आप अपनी वीडियोस को रात के टाइम पे या सुबह के सवेर के टाइम पे बना सकेंगे ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी बेटर हो। तो इस वक्त अगर आप वीडियो बनाएंगे शाम के टाइम पर तो काफ़ी सारे मसले होते हैं, बच्चों की आवाज़ होती है गलियों में खेलने की, कोई टीन डब्बे वाला आ जाता है, कोई किसी चीज़ वाला आ जाता है। आजकल तो आपको पता है हर किसी के पास माइक होता है, अगर कोई गंडेरी वाला आता है उसके पास भी लाउड स्पीकर होता है, कबाड़ वाला आता है उसके पास भी लाउड स्पीकर वाला होता है, छोले वाला आता है तो उसके पास भी लाउड स्पीकर होता है। तो दोस्तों आजकल ये परेशानियां तो हर किसी के साथ है, लेकिन इनको फेस करना पड़ता है। आपके पास अगर स्टूडियो होगा, आपके पास अपनी सेपरेट जगह होगी तो फिर आप अपनी वीडियोस को रात के वक्त सुकून से शूट कर पाएंगे और एडिट तो आप जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन शूट आप रात को करेंगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी बेटर आएगी और साउंड क्वालिटी भी बेटर आएगी और वीडियो को मतलब वायरल करने के लिए साउंड क्वालिटी ज़्यादा जो है ना मतलब वो अहमियत रखती है। साउंड क्वालिटी आप अच्छी देंगे तो आपकी वीडियो वायरल होगी।